अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल जो दोस्तों अज एलसीडी है, एलसीडी नो अस सही करना वे एच मसला यह आया वे कि इनका पैनल टुट गया हो, पैनल नवा आ गया हो, अस पैनल फिट करना वे इनका पैनल टुटे हुआ वे अस एला पैनल फिट करना वे 15 इंच की एलसीडी है तो 15 का पैनल है वेख लिया 15 का पैनल है अस ए फिट करना वे फिर असी ट्रन फिट करके विखावे कि असं किस तरह करके चलाया वे मैं ट्रन पैनल टुटिया हुआ विखा देव ए पैनल टुटे जी सा जोड़ा खराब पैनल हो जाए ए जो दाग ने निशान आए इन खराब है हूँ इन्हें मैं कार्ड कट देव बहर उनके बारे दसना वा ए कार्ड आ गया जी मैं कार्ड में बाल्टी जो बहर कड़ लिया वे कार्ड यानी सिर्फ वायरिंग खराब हो गई सी वायरिंग सारी मैं नवी नवी की है असं पहले LVDS के बारे गल कर लें कि इनकी सानू सप्लाई किन सारी चाहिए है साड़ा पैनल 3.3 वोल्ट का वे यह साड़ी 5 वोल्ट सप्लाई है तो नाल 12 वोल्ट सप्लाई है नाल 3.3 वोल्ट सप्लाई आती है असं पहले सप्लाई चैक करा कि साड़ी 3.3 वोल्ट सप्लाई ठीक आ रही है अगर ठीक आ रही है तो फिर असं फिट कर देना अगर नहीं ठीक आ रही तो असं फिर सप्लाई 3.3 वोल्ट करनी है असं सप्लाई पहले चैक कर लीए कि सप्लाई आ रही है पहले मैं जंपर ला लवा कनैक्शन वास्ते पिन होंगी है पैनल चेंज करने वास्ते कि सप्लाई चाहिए है सप्लाई साढ़े 4.2 आ रही है यानी सप्लाई साड़ी ज़्यादा आ रही है 4.2 ज़्यादा वे सू 3.3 चाहिए है असी 3.3 करने वास्ते असी थोड़ी जी सैटिंग चेंज करनी है वो खाने टू मैं अस कि सैटिंग चेंज करनी है यह असा सैटिंग चेंज करनी है यह जो उन्होंने दो डायोड लगे ने इतों साड़ी सप्लाई अगर 3.3 दे रही है यह 3.3 दी है इतने साढ़े 4.2 आ रही है असी ऐसा चेंज करने मैं कढ़ दिते ने इतने पिछले 5 वोल्ट सप्लाई रह गई है असी यह ट्रांजिस्टर लाने 3.3 वोल्ट का असी यह डिश रिसीवर च कढ़िया वे कार्ड से 3.3 वोल्ट करंट देने वाला वे 3.3 वोल्ट का वे असी यह फिट करना वे फिट करके तो फिर सप्लाई चैक करनी है ट्रन मजीद मैं वो करना वा कि शायद 3.3 वोल्ट उत्तर ट्रन नज़र आ जाए वेखी 3.3 वोल्ट नज़र आ गया वे उत्तर 3.3 वोल्ट लिखा है वे फिट करने हैं तो फिर अगर चलने असान किस तरह करके फिट किया वे साड़ा वेख लो जी फिट हो गया जी फिट होया पे जी इस तरह करके फिट करना से जी और मैं तो सप्लाई चैक कराना तो कि सप्लाई आ रही है सप्लाई चैक कर दी है जी मैं सप्लाई चैक करवा लवा अवेल 3.3 वोल्ट सप्लाई साड़ी ठीक हो गई है यानी साड़ा कार्ड ठीक हो गया वे कार्ड सप्लाई का मसला आया वे सिर्फ सप्लाई बिल्कुल ठीक हो गई है 3.3 वोल्ट सप्लाई आ गई पैनल सप्लाई पूरी हो गई है असी उन्हें जरा लैंप कार्ड तुम्हें विखा लीए असी लैंप कार्ड का की हिसाब किताब चलाया वे वह भी जरा विखा लीए यह लैंप कार्ड आ गया जी लैंप कार्ड ऐसा कि ऐटोमैटिक आन होंगे सी बंद नहीं सी होंगे है जो टाइम स्विच लाने से पैनल अगर रोशनी ऐटोमैटिक आ जाती सी असी यह एक मोसफिट इस्तेमाल किया वे Z44 मोसफिट है असी यह एक ट्रांजिस्टर चलाया वे रजिस्टेंस उन्होंने बंद करने वास्ते तो एक स्विचिंग वास्ते लाया वे इतने सिग्नल जूं इन करना वे तो इन्हें ग्राउंड पास करना वे तो अगर थोड़ा कार्ड ओपन हो जाना वे इन कार्ड साढ़े ग्राउंड की सप्लाई लग जानी है इतने असं एक ग्राउंड लाने वे तो इतने असं प्लस 12 वोल्ट देने ने प्लस दे इतने असं 5 वोल्ट का सिग्नल देना वे साड़ा मोसफिट आन हो जाए असं हम जरा ट्रन दोवे विखाने फिट कर किस तरह वायरिंग करनी है ऐसा वायरिंग की जी इस तरह करके कनैक्शन करने से आते वेख लो जो त्रै कनैक्शन त्रै असं कनैक्शन कड़े ने तीन ही लसा लाए ने इतने सिग्नल ही तार है असं इतों 5 वोल्ट सिग्नल दिता वे जिस टाइम कार्ड साड़ा आन होंदा वे उस टाइम मैंने सिग्नल लभदा वे तो यह साड़ा लैंप कार्ड आन हो जाता वे अगे पैनल अगर रोशनी आ जाती है यह साड़ी इस तरह असं वायरिंग की है असं उस जल्दी जल्दी फिट कर लें फिट करके तो आन करके विखाने कि किस तरह सा डिस्प्ले आया वे साड़ी फिटिंग हो गई हुई है जी यह साड़ा कार्ड फिट होया वे एना स्पीकर भी ला लिया वे यह साड़ी LVDS से केबल जी सब बनाई है इस पैनल वास्ते तो लैंप कार्ड है पैनल टोना सा विखाया वे वेख कनैक्शन है असं कुछ इस तरह करके ये फिट किया वे लीडा मेरे सर ला लिया हुई ने फिट फुट कर लिया वे असं फिर इन्हों और चैक करने सप्लाई दें सप्लाई दे चैक करने कि साढ़े पैनल डिस्प्ले किस तरह का आया वे मैं लीड ला लगा वा लीड ला के चैक करने एक बार कि पैनल साढ़े डिस्प्ले किस तरह का आया वे रेड लाइट थे ऑन हो गई है
ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਆਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ, USB ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਟਾਫਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਲੀਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ USB ਲਾ ਲਈਏ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਪਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।